देख आ गए हम तेरी देवरानी बनकर, अब हम तेरे गले की वो हड्डी बने जो तो ना ही निगल पाएगी और ना ही उगल पाएगी। हर इसे अपनी जीत समझने की तिलक तिलक करना। स्वरा को फिर मिला धोखा। यहाँ पर भाई पहले वेदांत से मिला था और अब यहाँ पर ध्वनि दे देती है। उसको लग रहा था कि यहाँ पर ढोलाराम से शादी कराने के बाद भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये जो ध्वनि नाम का कांटा है ना ये मेरी जिंदगी से बाहर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भाई हम ये सारी चीजों की तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रूप्स रिव्यू के नाम से चैनल है जहाँ पर आप जाके बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड की सारी तुम्हारे जैसी हड्डी को तो हम गलाएंगे भी और इस घर से भगाएंगे भी खबरें देख सकते हो। मतलब मैं वहां पर लेटेस्ट रिव्यू करती हूँ और जितनी मूवीज आती हैं ट्रेलर्स आते हैं उन सब के बारे में भी बताती हूँ। तो भाई आप जाके जल्दी से पहले सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहां पर आप ये भी बता सकते हैं कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है और आप और किस तरीके के वीडियोस देखना पसंद करेंगे। देख आ गए हम तेरी देवरानी बनकर, अब हम तेरे गले की वो हड्डी बने जो तो ना ही निगल पाएगी और ना ही उगल पाएगी। तो भाई हम बात कर रहे थे यहाँ पर वेदांत ध्वनि और स्वरा की। भाई स्वरा को दोबारा से धोखा मिल जाता है यहाँ पर ध्वनि की। लग रहा था कि शादी हो जाएगी ढोलाराम से, लेकिन अब मंडप में जो दूल्हा बैठा है ना वो पता है आपको कौन है? वो है अभिमन्यु, जो कि नैना और वेदांत का भाई है। अब भाई ये सारे लोग ना अभी तक बड़े खुश हो रहे थे, सबको लग रहा था कि चलो ठीक है ध्वनि की ढोलाराम से शादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर स्वरा सबसे ज्यादा बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी और भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोल देती है वो तो ध्वनि को कि भी मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी के लिए और मैं तो चाहूंगी कि भाई तुम्हारी ऐसी जोड़ी बनी रहे सातों जन्म तक। लेकिन जैसे ही पता लगता है कि ढोलाराम तो भाई अपने मुंह में पट्टी बांध कर और एकदम ऐसा शो करता है कि वो किडनैप हो गया था और यहाँ पर शादी उसकी नहीं होती है, यहाँ पर सबके होश उड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि ढोलाराम यहाँ पर है तो वो दूल्हा बन के कौन बैठा है। और जैसे भाई दूल्हा अपना चेहरा उठाता है तो देखते हैं अभिमन्यु ने शादी कर ली है ध्वनि से। यहाँ पर उसके मांग में सिंदूर वगैरह भर दिया है, मंगलसूत्र भी पहना दिया है, फेरे भी ले लिए और बकायदा उसकी शादी हो गई। तो अब होगा मेन ट्विस्ट, मतलब अब आने वाला है मजा कि भाई जब सब घर वालों के सामने ये सच आ गया है कि अब स्वरा की देवरानी बन जाएगी ध्वनि, तो अब ध्वनि किस किस तरीके से यहाँ पर स्वरा से लेगी बदला।